बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैदराबादी तड़का। आज हम बनाने वाले हैं पालक, आलू और गोश्त और सोया दाल के बनाएंगे, इंशाल्लाह आपको सिखाते हैं। प्याज ले लिए हमने 3 मीडियम साइज। ऑनियंस लिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑनियन शामिल कर लेंगे हम कुकर में। एक किलो गोश्त ले लिया है हमने, 1 किलो गोश्त शामिल करेंगे बिस्मिल। 5 कट्टे पालक है, हम 5 कट्टे पालक शामिल कर लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कट्टा सोया काट कर रख लिया हमने, सोया शामिल करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 टेबल स्पून अदरक शामिल कर लेंगे हम, अदरक लहसुन पेस्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टेबल स्पून शामिल कर लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाल मिर्च पाउडर 2 टेबल स्पून शामिल कर लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक हसबे जायका शामिल कर लेंगे, नमक ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि पालक में कुदरती तौर पर नमक होता है, तो नमक शामिल करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 कप तेल ले लिया हमने, तेल शामिल करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 कप देखिएगा, हम स्टोव पे रख चुके हैं, चूल्हे पे चढ़ा चुके हैं, इससे ढक्कन लगा लेंगे अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी हमने बिल्कुल शामिल नहीं किया क्योंकि प्याज का पानी या गोश्त का पालक का पानी ऑलरेडी रहता है, वही पानी काफ़ी है। देखिए हम ढक्कन लगा के रख चुके हैं, इंशाल्लाह फिर आगे बताएंगे आपको। तो हमारा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी रेसिपी, इंशाल्लाह और रेसिपी बताएँगे आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए हम 3 विजल्स के बाद खोल लेंगे इसको, हो चुके हैं, सीटी चेक करेंगे अब तक बहुत केयरफुल से। हाँ जी, देखिए हम इसको भून लेंगे, हमने बिल्कुल पानी शामिल नहीं किया था, जो भी है गोश्त और गोश्त का पानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको अच्छे से भून लेंगे, आगे का प्रोसेस बताएंगे आपको इंशाल्लाह। हम अच्छे से भून चुके हैं, इसमें आलू शामिल करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप आलू फ्राई करके भी डाल सकते हैं, आलू फ्राई कर ले तो ज़्यादा यानी गैस वगैरह नहीं होता है पेट में गैस का। और आप इसमें गोश्त चाहे तो शामिल कर सकते हैं, और अगर गोश्त नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, बिना गोश्त के बना सकते हैं। हरी मिर्ची 4-5 हरी मिर्ची शामिल करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोथमीर काट के रखा था हमने, थोड़ी थोड़ी शामिल करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स करेंगे अच्छे से। और आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन एक्टिवेट कीजिए और कमेंट्स में बताएं आपको कैसा लगे। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा ज़रूर, आप भी जैसे हम बता रहे हैं वैसे बनाए, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा, आगे और बताएंगे। देखिए सालन हो चुका है, डिश आउट कर लेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत खुशबू आ रही है माशाल्लाह, आप भी ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए डिश आउट करके आ चुके हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छा लुक भी आया, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है आप लोग को पसंद आएंगे इंशाल्लाह। और आप इसके साथ खट्टी दाल दही की कढ़ी भी बनाए तो बहुत अच्छा लगेगा, सब आपके घर में पसंद से खाएंगे इंशाल्लाह। और आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन एक्टिवेट कीजिए और नई रेसिपीज़ के साथ आएँगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल, बेल आइकन एक्टिवेट करिए। थैंक यू।